Hello students, welcome to my class. Let's start exercise 9.5, chapter 9, algebraic expressions and identities for class 8. Exercise 9.5 को start करने से पहले आपको कुछ identities बता दें. Identities आपको याद रखनी है, वही आपको यहाँ use करनी है, क्योंकि यहाँ सारे question identity use करके ही होंगे. So फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, बायनोमियल का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये दोनों टर्म्स के लिए ये स्क्वायर है. जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, मतलब एक टर्म हो और दूसरी टर्म हो, बीच में प्लस का साइन हो और उनका होल स्क्वायर दिया हो, तो उसमें हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. फिर एक और आइडेंटिटी है जिसमें ऐसा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेम टर्म्स ही होंगी ब्रैकेट्स में, बट एक बार प्लस के साइन के साथ, एक बार माइनस के साइन के साथ. तो उस केस में आपने क्या करना है, आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो चलिए हम इनको अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटीज, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री. देखिए सेम ब्रैकेट है तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, यानी कि ये दो बार है. जैसे मेरे पास ऐसे हो 2 इंटू टू, तो मैं इसको क्या लिखते हैं, हम 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टू टाइम्स मल्टीप्लाई है. तो यहाँ भी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट यूज होगी यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस इज एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. एक्स का स्क्वायर थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन. सो ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, यहीं पे हमारा ये आंसर है. आइडेंटिटी लगाने से देखिए कितना ईजी हो गया. अदरवाइज हम क्या करते थे कि पहले एक इससे पूरी ब्रैकेट खोलो, देन इससे पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, देन उन टर्म्स को कंबाइन करो और करो, उस तरह से हमारा लेंथी होता था. ये आइडेंटिटी लगाने से हमारा ईजी हो गया. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 2y प्लस फाइव, 2y प्लस फाइव. तो 2y प्लस फाइव का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी सेम वही प्लस वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी आपने मेंशन ज़रूर करनी है, इसके मार्क्स होते हैं. तो अगर आप ये आइडेंटिटी लिखना भूल जाएंगे तो टीचर भी आपको वन मार्क देना भूल जाएगी. सो आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2y इज़ द फर्स्ट टर्म, प्लस फाइव इज़ द सेकेंड टर्म. सो 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20y, और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 25. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 2a माइनस 7, 2a माइनस 7. इट कैन बी रिटन 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, दो बार है ये ब्रैकेट. अब आइडेंटिटी सेकेंड लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. प्लस एंड माइनस का ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर. 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 को भी स्क्वायर करना है, a को भी स्क्वायर करना है, और साथ ही 2 टू ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 a, और 7 7 ज़ा 49. फोर्थ वन इज 3a माइनस 1 बाई 2, 3a माइनस 1 बाई 2. सेम 3a माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, देन a माइनस b का होल स्क्वायर. जो आप आइडेंटिटी लिखी है हमने पीछे भी बहुत बार, वही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सो इट विल गिव यू 3 इंटू 3 9, 9a स्क्वायर. ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव यू 3a प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. सो इट इज 1 बाई 4. फिफ्थ पार्ट इज 1.1m माइनस 0.4, 1.1m प्लस 0.4. अब देखिए यहाँ जो है सेम नंबर्स हैं बट विद द डिफरेंट साइन, तो यहाँ वो थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी. ये आगे भी लिखा हो सकता है प्लस वाला, पीछे भी लिखा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी यही रहेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लगा दिया, 1.1m का
1.1 इंटू 1.1 कर लेना है. 1.1 इंटू 1.1 जब आप करेंगे तो इट विल गिव यू 1.21 मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर और ये माइनस 4 इंटू 416 0.14 क्योंकि पॉइंट है तो 0.16 आएगा यहाँ पे. फाइनली द आंसर इज 1.21 एम स्क्वायर माइनस 0.16. नेक्स्ट पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए आइडेंटिटी यहाँ कोई भी सेट नहीं हो रही तो उसके लिए हम क्या करते हैं टर्म्स को आगे पीछे कर लेते हैं. बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आपके पास आइडेंटिटी आ गई सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस तो थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी. आइडेंटिटी आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर यहाँ ऑलरेडी ए बी दिया तो आप एक्स वाई फॉर्म में भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं. सो इट विल गिव यू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई या ए बी से मतलब हमारा क्या है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि बी फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने पढ़ा था कि जब ऐसे डबल ब्रैकेट हो तो क्या होता है ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ए की पावर 4. सेवेंथ 6x माइनस 7 6x प्लस 7 ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. 6x 36 एक्स स्क्वायर माइनस 7 49. एट्थ पार्ट माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी तो इट विल गिव यू सी माइनस ए सी माइनस ए. टर्म्स को हमने एडजस्ट कर लिया. सी माइनस ए का होल स्क्वायर आइडेंटिटी वही सेकेंड वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए मीन्स फर्स्ट टर्म बी मीन्स सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा c का स्क्वायर c स्क्वायर 2ac प्लस a स्क्वायर. नाइन पार्ट x बाई 2 प्लस 3/4y x by 2 plus 3/4y. So it can be written x by 2 plus 3/4y whole square. a plus b ka whole square. Same identity first. a square plus 2ab plus b square. Same way first term ka square plus 2 into first term into second term plus second term ka square. So it will give you x square by 4. Ye dekhiye 2 aur 2 cancel ho jayenge. 3xy upon 4. To 3/4xy 9 बाय 16. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये y का स्क्वायर y स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. टेंथ पार्ट इज 7a माइनस 9b. 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर. सेम आइडेंटिटी. आइडेंटिटी ज़रूर मेंशन करनी है हर बार. 7a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. 7 7s 49 a स्क्वायर माइनस 9 2s 18 18 7s 126 ab और 9b का स्क्वायर यानी कि 81b स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग आइडेंटिटीज. अब आपको आइडेंटिटी मेंशन की है. उन तीन आइडेंटिटीज के अलावा एक और आइडेंटिटी है x प्लस ए x प्लस बी यानी कि फर्स्ट टर्म जब ब्रैकेट में सेम हो दोनों ब्रैकेट्स में सेकेंड टर्म दोनों के डिफरेंट हो तो उस केस में हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो सेम है प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो डिफरेंट है उनको प्लस करना है उनको मल्टीप्लाई करना है वो सेम टर्म से प्लस ए इंटू बी ये डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 3 x प्लस 7. देखिए फर्स्ट टर्म सेम है x सेकेंड दोनों के डिफरेंट है एक में 3 है एक में 7 है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे. अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लिख भी सकते हैं कि x क्या है x a क्या है 3 b क्या है 7. ये कंपलसरी नहीं है लिखना. आइडेंटिटी यूज़ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस दिस और ये प्लस करेंगे 7 + 3 इंटू एक्स प्लस 7 × 3. एक्स स्क्वायर 7 + 3 10 10x 7 × 3 = 21. दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इज 4x + 5 4x + 1. फर्स्ट टर्म सेम सेकेंड डिफरेंट आइडेंटिटी ये वाली एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. इसमें सब क्वेश्चंस में यही लगेगी. 4x square plus 5 plus 1 into 4x plus 5 into 1. Identity ke according. 4 4s 16x square. 5 plus 1 6. 6 4s 24. Or 5 1s 5. Finally the answer is 16x square plus 24x plus 5. Next one is
4x माइनस 5, 4x माइनस 1. यूजिंग आइडेंटिटी सेम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया यहाँ, क्योंकि इन दोनों के साइंस नेगेटिव हैं, तो माइनस 5 माइनस 1 इंटू 4x प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1. यहाँ हमारी आइडेंटिटी सिर्फ प्लस के लिए है, माइनस के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए नेगेटिव टर्म्स जो हैं वो यहीं एडजस्ट होंगी. 16x स्क्वायर, दिस इज माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 6 4s are 24 विद नेगेटिव साइन, 24x, और ये माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज 4x प्लस 5, 4x माइनस 1. आइडेंटिटी सेम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4x प्लस 5 इंटू माइनस 1. यहाँ x क्या है 4x, a क्या है 5, b क्या है माइनस 1. सो 16x स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 4 16, और ये 5 वन्स आ 5 विद नेगेटिव साइन. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज 2x प्लस 5y, 2x प्लस 3y. फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म्स डिफरेंट हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वही आइडेंटिटी सेम, हम यही यूज़ कर रहे हैं जो अभी यूज़ की ऊपर, 5y प्लस 3y इंटू 2x प्लस 5y इंटू 3y. दिस इज 4x स्क्वायर, 5y और 3y कितने हो जाएंगे 8y इंटू 2x प्लस 15y स्क्वायर. सो इट विल गिव यू 4x स्क्वायर, 8 टू ज़ 16 xy प्लस 15 y स्क्वायर. दिस इज द आंसर. सिक्स्थ पार्ट इज 2a स्क्वायर प्लस 9, 2a स्क्वायर प्लस 5. यूजिंग द आइडेंटिटी सेम, देखिए फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड सेकेंड डिफरेंट है दोनों की, तो ये हो गई x, ये हो गई a, ये हो गई b. आइडेंटिटी लगा दीजिए, 2a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ये वाली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5. 2a स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज a 4, 9 प्लस 5 14, 2 ज़ा 28, a स्क्वायर 9 5 ज़ा 45. नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट, एक्स वाई जेड माइनस 4, एक्स वाई जेड माइनस 2. फर्स्ट टर्म सेम है, वही आइडेंटिटी लगा देंगे सेम, एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स वाई जेड प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 2. सो इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और ये 4 टू ज 8 माइनस माइनस प्लस विद पॉजिटिव साइन. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग आइडेंटिटीज. आपको स्क्वायर्स दिए हैं, वही सेम 4 आइडेंटिटीज जो आपने अभी पढ़ी हैं वही यूज करनी है. दिस इज b माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो देखिए आपको देख के पता चल रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. b स्क्वायर 7 टू ज़ 14b प्लस 7 7 ज़ 49. नेक्स्ट इज एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर, तो देखिए बीच में प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेम उसी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वो लगा लिया. इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 टू ज़ 6 एक्स एक्स वाई और ये जेड एक्स वाई जेड और ये 3 का स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट इज 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इट विल गिव यू 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, एक्स स्क्वायर इंटू का स्क्वायर दैट इज एक्स 4, 6 5 ज़ 30, 30 2 ज़ 60, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर. सो ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज पार्ट फोर्थ, 2 बाई 3m प्लस 3 बाई 2n होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर. सेम लाइन सेम ग्राउंड्स को फॉलो करते हुए आपने इसको भी लिख लेना है. इट विल गिव यू 2 बाई 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बाई 3m प्लस 3 बाई 2n फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर. यहाँ मैं होल स्क्वायर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि
यहाँ 3/2 को भी स्क्वायर है और n को भी स्क्वायर है. दिस इज 2 2 ज़ 4, 3 3 ज़ 9, एम स्क्वायर प्लस जो चीज़ें यहाँ पे देखिए कैंसिल होती हैं, 3 1 ज़ 3, 3 1 ज़ 3, 2 1 ज़ 2, 2 1 ज़ 2, तो रह के गया 2mn प्लस 9/4 n स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज 0.4p माइनस 0.4q, a माइनस b का होल स्क्वायर. सेम वे में आप आइडेंटिटी लगा देंगे. अब 0.4 का स्क्वायर कर लेंगे, 0.4 इंटू 0.4, दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे. दिस इज 0.16p स्क्वायर माइनस, देखिए जब आप इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ 10, 10.0, 10 मतलब 1.0, 1.0 इंटू 0.4, इट विल गिव यू 0.4 p एंड q. और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25, दो डिजिट्स के बाद हम पॉइंट पुट कर देंगे, 0.25 q स्क्वायर. सिक्स पार्ट इज 2xy प्लस 5y स्क्वायर. सो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, सेम दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेम वे में हमने लगा दिया 2xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर. सो इट हैज़ गिवन यू 2 2 ज़ 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ 4, 4 5 ज़ 20, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25, और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर. देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर वाली लगेगी. दिस इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. और इट हैज़ गिवन यू a 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b 4. नेक्स्ट इज 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर. इस सारी टर्म को हम a मान ले अगर, और इस सारी टर्म को b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, देखिए वो जो आइडेंटिटी थी जो हमने पहले लिखी, ये बोथ वेज यूज़ होती है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हो तो उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देना. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो उसको a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ब्रैकेट में एक बार दोनों टर्म्स प्लस होंगी, दूसरी ब्रैकेट में दोनों टर्म्स माइनस होंगी, और बीच में कोई साइन नहीं आएगा, इनका प्रोडक्ट है ये. सो इसको मानो फर्स्ट टर्म a, पूरे का पूरा a, a प्लस बी ए माइनस बी. ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, जब हमें पता है प्लस से ब्रैकेट ओपन हो तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस से होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. सो दिस इज 2x प्लस 5, 2x माइनस 5, दिस इज 2x प्लस 5, इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस 2x प्लस 5, 5 प्लस का 5 माइनस का कैंसिल, 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल. सो 2x प्लस 2x 4x, और यहाँ 5 प्लस 5 10, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 10 4 ज़ 40 40x. नेक्स्ट वन इज 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ हम ऊपर जैसी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, इस सारी टर्म को a, इस सारी टर्म को b नहीं मान सकते, बिकॉज बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन है. आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये नहीं लगेगी. इसमें हम सेपरेट आइडेंटिटीज, टू आइडेंटिटीज अलग अलग लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो मैंने वो आइडेंटिटीज लिख दी आपके लिए. अब आप फर्स्ट में लगा दीजिए माइनस वाली, और सेकेंड वाले में लगा दीजिए प्लस वाली. लगा दी 7m स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सेम वे यहाँ प्लस के साथ टर्म्स को सॉल्व कीजिए, 7 7 ज़ 49 m स्क्वायर माइनस, जब इनको सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर प्लस ये टर्म्स. कंबाइन द लाइक टर्म्स, 49 m स्क्वायर प्लस 49 m स्क्वायर, n स्क्वायर वाली, mn mn वाली. अब mn mn वाली टर्म्स दोनों सेम हैं विद डिफरेंट साइंस, ऑपोजिट साइंस हैं, तो कैंसिल हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी. फाइनली आंसर क्या आएगा, 98 m स्क्वायर प्लस 128 n स्क्वायर. इनको ऐड कर लेंगे, इनको भी ऐड कर लेंगे. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज 4m प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का स्क्वायर. यहाँ भी देखिए, इसको सेपरेट आइडेंटिटी, इसको सेपरेट, दोनों में प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगेगी. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें
फिर अगेन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सेकेंड वाले में। नाउ इनको सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 40 mn प्लस 25 n स्क्वायर। यहाँ हमने आइडेंटिटीज लगा ली, इनको सॉल्व किया। अब कंबाइन द लाइक टर्म्स, 16 m² वाली, n² वाली, mn वाली सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस हो जाएंगे, 16 प्लस 25 41, 25 प्लस 16 41 विद n स्क्वायर, और 40 प्लस 40 80 mn। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 2.5p माइनस 1.5q का स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का स्क्वायर। इसको हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर, सारी को ए मान ले, इस सारी को हम बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार ये दोनों टर्म्स ऐड, ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में दोनों टर्म्स माइनस सब्ट्रैक्ट। अब देखिए प्लस से तो सेम ही रहने वाला है, यहाँ नेगेटिव साइन है तो साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस बन जाएगा। अब इसमें भी कंबाइन द लाइक टर्म्स, पी वाली इकट्ठी क्यू वाली इकट्ठे, सेम हेयर, पी वाले एक साथ क्यू वाली एक साथ। 2.5p प्लस 1.5p 4p हो जाएगा, 4.0 मतलब 4p, इसी तरह से ये माइनस 4q। यहाँ इनको जब माइनस किया जाएगा इट विल गिव यू 1.0p, 1p मतलब p, एंड 2 इसमें भी 1.0q मतलब q, p प्लस q आ जाएगा। अब अगेन इसको बाइनोमियल विद बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे, 4p इंटू p, 4p इंटू q, माइनस 4q इंटू p, माइनस 4q इंटू q। जब हम इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये डिफरेंट सेम टर्म्स है विद डिफरेंट साइन, कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास रहेगा 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट इज ab प्लस bc का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। ये टर्म एज इट इज आप साथ साथ लिखते जाएंगे, उसमें आप आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c, जो हमारे पास ये टर्म है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर c प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर एंड ये वाली। आप देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस, तो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास फाइनली आंसर रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट सम टर्म्स आर गिवन। फर्स्ट पार्ट इज 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आपको शो करना है कि ये जो LHS है ये RHS के बराबर है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दीजिए, दोनों तरफ आंसर सेम आ जाएगा, आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो LHS में आप लेंगे 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मैंने मेंशन कर दी है, वैसे भी हमने हर क्वेश्चन में मेंशन की है, तो अब तक आई होप आपको याद ही हो गई होगी। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस ये जो 84x दिया हुआ है, और ये RHS है। 3 3s are 9x स्क्वायर, ये 7 3s are 21, 2s are 42x, 7 7s are 49, और ये 84 इसके साथ कंबाइन कर लिए लाइक टर्म्स। यहाँ आपको मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस 84 में से 42 माइनस किए 42, ग्रेटर टर्म का साइन आ गया, प्लस 49। राइट हैंड साइड में चलिए 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए 42x, और ये 49। देखिए दोनों तरफ सेम आंसर आया है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस अवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट इज सेम वे 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq दैट इज इक्वल टू दिस। तो LHS RHS, LHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 180pq जो साथ में टर्म दी हुई है, आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 9 81 पी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होके 90pq दे देगा, दिस इज 25q स्क्वायर प्लस 180pq।
पी क्यू पी क्यू वाली टर्म्स कंबाइन कीजिए, कंबाइन करके लिख लिया हमने। देन 81 पी स्क्वायर, ये देखिए एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, माइनस करना है, ग्रेटर टर्म का साइन आना है, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम RHS की तरफ चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है। उस हिसाब से 9 का स्क्वायर 81 पी स्क्वायर प्लस 90 PQ और ये 25 Q स्क्वायर। देखिए LHS एंड RHS बोथ आर सेम, देयरफॉर आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। थर्ड पार्ट इज 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 16/9m² प्लस 9/16n² LHS RHS। पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, LHS को a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये टर्म साथ में डिफरेंट दी हुई है, लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये वाली टर्म साथ लिख दीजिए। यहाँ जो चीज़ें 3 1s are 3, 3 1s are 3, 4 1s are 4 1s are कैंसिल होता हमने कर दिया। इसका स्क्वायर आ गया 4 का 16, 3 का 9m² माइनस 2mn इज लेफ्ट ओनली प्लस 9/16n² एंड ये जो टर्म ऊपर थी प्लस 2mn, इसको और इसको कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स है विद डिफरेंट साइन। तो फाइनली आंसर क्या रह गया, 16/9m² प्लस 9/16n² और यही हमारी RHS है, राइट हैंड साइड यही है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अल्टीमेटली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट, दिस इज 4PQ प्लस 3Q का स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 48 PQ स्क्वायर, ये आपको शो करना है। LHS ले लीजिए, LHS में आप लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारी टर्म a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो पहले टर्म्स पहली ब्रैकेट में ऐड होंगी, दूसरी में सब्ट्रैक्ट होंगी। कर दिया हमने ऐड, दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, माइनस में ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि माइनस से सबके साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस में लिखा था जो चीज़ कैंसिल होती वो कर दी, माइनस में हमने इनके साइन चेंज किए, ये प्लस 4 PQ है यहाँ माइनस 4 हो गया, और ये माइनस 3 था यहाँ प्लस 3 हो गया। अब इनके जो यहाँ पे भी 4PQ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है विद डिफरेंट साइंस, माइनस ये एक प्लस का है ये माइनस का, 4 - 4 जीरो होता है। सो 8PQ प्लस 6PQ, सो 8 6 48 PQ स्क्वायर, तो 48 PQ स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो LHS RHS इक्वल है, सो आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। नाउ लुक एट फिफ्थ पार्ट, a माइनस बी a प्लस बी, बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी, प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये LHS है, हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है प्लस ये थर्ड टर्म, तो ये a माइनस बी a प्लस बी आपके पास आइडेंटिटी है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो लगा देंगे। सेम यहाँ पे भी देखिए सेम है विद डिफरेंट साइंस, बीच में ब्रैकेट साइन अलग है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। लाइक टर्म्स को कंबाइन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा सब, एक ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बचेगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, दिस इज विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड, अवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग आइडेंटिटीज इवेलुएट, इवेलुएट होता है वैल्यू फाइंड आउट करना, पहले सिंप्लीफाई करना है, देन कुछ गिवन वैल्यूज होंगी वो उसमें पुट कर देनी है। इवेलुएट 71 का स्क्वायर, अब देखिए 71 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अब आपने ऐसा नहीं करना 71 का स्क्वायर बच्चे करेंगे 71 into 71, मैम इट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, बट एक यहाँ कंडीशन दी है यूजिंग आइडेंटिटीज, तो ये नहीं करना आपने, इसको 71 को लिखना है 70 + 1 का होल स्क्वायर। सो इसका मतलब है हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी मेंशन ज़रूर करनी है। 70 का स्क्वायर 70 × 70 = 4900, इनको प्रोडक्ट करेंगे 140 और 1 का स्क्वायर 1, अब क्या करना है इन सबको ऐड करना है, यहाँ कॉलम बना के इनको ऐड कर लीजिए, 5041 इज द आंसर।
नेक्स्ट इज 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम 90 प्लस 9 भी तो लिख सकते हैं। 90 प्लस 9 लिख सकते हैं, बट नियरेस्ट टर्म्स का भी ध्यान रखना है। 100 और 1 जो है 100 से माइनस होके 99 इजीली देता है, और 90 में 9 ऐड करेंगे दैट इज गैप ज़्यादा है। तो 100 माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी मीन्स सेकेंड टर्म। ए यहाँ 100 है, बी यहाँ 1 है। सॉल्व करेंगे 10,000, ये 200 और ये 1। ये पहले प्लस वाली टर्म्स को प्लस कर लिया, देन माइनस 200, यू विल गेट 9801 आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 102 का स्क्वायर। अगेन 100 प्लस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 10404 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 998 का स्क्वायर। 998 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रोडक्ट कीजिए, 1 के साथ 6 जीरोज आ जाएंगी, माइनस ये 4000 आ जाएगा प्लस 4। पहले इसको ऐड कर लिया, देन उसमें से 4000 माइनस किया, तो यू विल गेट 996004। आप इसको प्लस माइनस अपने आप कॉलम में अरेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 5.2 का स्क्वायर। इट इज 5 प्लस 0.2, 5 में 0.2 ऐड करेंगे तभी 5.2 बनेंगे। सो आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इनको प्रोडक्ट करेंगे इट विल गिव यू 2.0। 5 टू जै 10, 10 टू जै 20, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगना, तो दिस इज 2 और ये होगा 0.04। 25 प्लस 2 27 प्लस 0.04 27.04 दिस द आंसर। नेक्स्ट सिक्स पार्ट इज 297 इंटू 303। 297 को क्या लिख सकते हैं? 300 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 3। ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट टर्म 300 है, सेकेंड टर्म 3 है, तो हमने इनको कर दिया स्क्वायर। 300 का स्क्वायर 90,000, 3 का स्क्वायर 9, इनको माइनस कर लीजिए कॉलम में अरेंज करके, 89991 इज द आंसर। सिक्स क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट, 78 इंटू 82। 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2, 82 को लिखते हैं 80 प्लस 2। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। दिस विल गिव यू 6400 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 6400 में से 4 को माइनस किया जाएगा, इट विल गिव यू 36396। सो 6396 इज द आंसर। नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट, 8.9 का स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 9 माइनस 0.1। 9 में से 0.1 को यहाँ माइनस करें, आप देखिए 8.9 आता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज 81, दिस इज 1.8, इनको प्रोडक्ट करके और इसको 1 इंटू 1 1, दो डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा 0.01। सो इनको पहले प्लस कर लिया, बाद में हमने ये टर्म इसमें से माइनस की, इट विल गिव यू 79.21। यहाँ मैंने माइनस करके दिखाया भी है। नेक्स्ट इज 10.5 इंटू 9.5। 10.5 मीन्स 10 प्लस 0.5, 9.5 मीन्स 10 माइनस 0.5। ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इट विल गिव यू 100 माइनस 0.25। सो इनको आप माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस करके देखिए। आप डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं यहाँ कैंसिल करके आपको छोटे बच्चों की तरह वो सारा दिखाऊं, वो नहीं। आप ओरली, आप बड़े हैं, एट्थ क्लास में हैं, इसको ओरली आप माइनस कीजिए और आपको मिलेगा 99.75। जैसे बोरो करके हम माइनस करते हैं, वैसे आप माइनस करें। क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व
51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी बोथ वे लगती है, मैंने आपको बताया पहले भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पहले दोनों टर्म्स को प्लस करना, फिर दूसरी ब्रैकेट में दोनों को माइनस करना। तो 51 प्लस 49, 51 माइनस 49, 51 प्लस 49 100, 100 इंटू, ये माइनस करके 2 आएगा, 100 इंटू 2 200। नेक्स्ट इज 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस कीजिए 2.00, 1.02 माइनस 0.98 माइनस करके 0.04 आ चुका है। अब इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करना है। 2.00 का मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 0.04। जब आप ये प्रोडक्ट करेंगे तो इट विल गिव यू 0.08। नेक्स्ट इज 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ए प्लस बी, ए माइनस बी, 300 प्लस करके आएगा, माइनस करके 6 आएगा, उनको आप प्रोडक्ट कर देंगे, इट विल गिव यू 1800। फोर्थ इज सम टर्म्स आर गिवन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस कीजिए 20.0 आया, माइनस कीजिए 4.2 आया। 20.0 मतलब 20 को 4.2 से प्रोडक्ट कीजिए, 84.0 आ जाएगा। सो 84.0 मतलब 84 आंसर। एट्थ क्वेश्चन, सॉल्व 103 इंटू 104। 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड सेकेंड डिफरेंट है। हमारी वो आइडेंटिटी जो कि हमने सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में लगाई थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनका सम इंटू फर्स्ट टर्म 100 प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ आप मैंशन भी कर सकते हैं, x देखिए 100 है, a क्या है 3, b क्या है 4, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इनको सेट कर लिया। 10,000, 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 इंटू 100, और 3 इंटू 4 12, सबको ऐड कर दीजिए। 10,000 प्लस 700 प्लस 12, इट विल गिव यू 10712। नेक्स्ट वन इज 5.1 इंटू 5.2, 5 प्लस 0.1, 5 प्लस 0.2, x प्लस ए एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी सेम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड कीजिए, 0.1 प्लस 0.2 0.3 हो गया इंटू 5, और ये प्रोडक्ट होके 0.02 0 लिख लीजिए। यहाँ इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगा सकते हैं 0.02। 25 प्लस, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 1.5 आया, प्लस दिस, कॉलम्स में अरेंज करके हम इनको प्लस कर देंगे, 26.52 आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज 103 इंटू 98, 103 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 3, 98 को 100 माइनस 2, आइडेंटिटी सेम, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, वो लगा दिया हमने। यहाँ x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है माइनस 2, सॉल्व कीजिए। 10,000, ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 100 100, और ये 3 टू ज़ा 6 विद नेगेटिव साइन, 100 माइनस 6 94 हो गया, 10,000 प्लस 94 इट विल गिव यू 10094। नेक्स्ट पार्ट इज 9.7 इंटू 9.8, 9 प्लस 0.7, 9 प्लस 0.8। ये इसलिए मैंने आपको ये लेके दिखाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, मैडम आप 9 से लेके एक बार करके तो दिखाओ, वो भी आ जाएगा। अगर आप इसको 10 माइनस 0.3 करते हैं और 10 माइनस 0.2 करते हैं तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो मैंने 9 के साथ किया, 9 प्लस 0.7, 9 प्लस 0.8, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी 9 का स्क्वायर प्लस 0.7 प्लस 0.8 इंटू 9 एंड दिस, 9 9 जा 81, 1.5 इंटू 9 और ये 0.56, सबको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 95.06। ये हमने कॉलम्स बना के ऐड कर लिया। आई होप यू हैव गॉट दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है,
थोड़ी सी बच्चों को टफ भी लगती है कभी कभी, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज यूज होती हैं, बट अगर आप आइडेंटिटीज को रट लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो आपको कभी भी ये एक्सरसाइज टफ नहीं लगेगी। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।